हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम पोमोग्रेनेट फेयरनेस फेस पैक बनाएंगे। सो बेसिकली ये फेस पैक आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा फेयर और पिंकिश ग्लोइंग बनाएगा। ये आपकी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा। ये आपके एक्ने और पिंपल्स को क्योर करेगा, साथ ही आपके डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर आपके स्किन टोन को इवन बनाएगा। प्लस इसके रेगुलर यूज़ से आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाएगी। तो आइए इस मैजिकल फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। प्रोमोग्रेनेट फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम ये आधा कप प्रोमोग्रेनेट सीड्स यानी कि अनार के दाने लेंगे। फिर हम इन्हें एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने अनार के दानों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक क्लीन बोल में ये 2 चम्मच ओट्स का पाउडर लेंगे। ओट्स हमारी स्किन पर एज एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारी स्किन को डीप क्लेंस करता है और साथ ही हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप भी करता है। नेक्स्ट अब हम इसमें सबसे मेन इन्ग्रीडियंट ये प्रोमोग्रेनेट का पेस्ट ऐड करेंगे। अनार हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाता है। ये हमारी स्किन पर से सारा एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमारे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इसलिए ये हमारे साइंस ऑफ एजिंग जैसे कि फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट अब हम इसमें ये 1 चम्मच योगर्ट यानी कि दही ऐड करेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है और साथ ही हमारे एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक कर हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा यूथफुल भी बनाती है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है और साथ ही हमारी सन डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। और अब हम लास्ट में इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, ये हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही फेयर और ग्लोइंग बनाता है और साथ ही हमारे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं फेस पैक की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हमारा फेस पैक बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, पैक लें और इसे अपने पूरे फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली अप्लाई करें। और इसे इस तरह इवनली अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और 20 से 25 मिनट बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस पैक के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अप्लाई ज़रूर करें। और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा फेयर और पिंकिश ग्लोइंग दिखाई देने लगेगा। आपके डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। आपके एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। प्लस आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी इस फेस पैक को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितने इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।